अमित दादा हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत रहेगा, उनका शुरू से हम लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन हम लोगों ने तो वो प्रस्ताव भी रखा है आए आने के लिए, कोई आपत्ति नहीं, आएंगे तो जाएंगे उनके साथ, लेकिन फिर नॉमिनेशन बंटवारे में बड़ा दिक्कत होगा नॉमिनेशन में तो खुले मंच में आए। ठीक है, नॉमिनेशन अलग चीज होता है, समर्थन देना अलग चीज होता है, लेकिन हमारे साथ राजनीति आए ना, कब उनका सिली विधानसभा से क्या माना जाएगा, सिली विधानसभा से देवेंद्र महतो होंगे प्रत्याशी, देखिए आवश्यकता नहीं, जो उनका वोट आना है वो 50% तय हो चुका है और 50% विधानसभा चुनाव के कैंपेन के दौरान तय होगा। धनबाद ग्रीडी में काफी भीड़ है, संगठन का कार्य करेंगे वहाँ ना क्रिटेरिया, जनता का फीडबैक होगा, अगर जनता उनको फीडबैक देती है, हमारे संगठन के साथी अगर उनका समर्थन करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं हमें, अगर कल कोई हमारे संगठन में आता है और अगर हमारे साथी बोलते हैं नहीं ठीक इनका स्वागत कीजिए ये बढ़िया व्यक्ति हैं गलत पार्टी में थे, तो वहाँ तो हमने लिखा है संगठन का फीडबैक, जनता का फीडबैक, संगठन के लिए कार्य, आपको संगठन के लिए अच्छा लगा, ताकत मिली, हौसला दुगना हुआ, हमारे सभी साथी चुनाव हारे थे लेकिन आज पुनः इस जनसैलाब को देखकर हम लोग का जोश दुगना हुआ और उम्मीद करते हैं तमाड़ के साथ साथ पूरे राज्य में एक नया बदलाव आएगा और वह बदलाव इस राज्य के लिए नीति नियम बनाने के लिए कार्य करेगा। शहीद बिरसा मुंडा की बात आप हर सभा में करते हैं लेकिन पूरी हद तक आना नहीं होता है, गए हैं लेकिन काफ़ी दिन पहले गए हैं और हम लोग कल शेड्यूल बना है बाकायदा, हम लोग उनका जो पैतृक ग्राम है वहाँ हम लोग जाएंगे और निश्चय ही बिरसा के बिना झारखंड अधूरा है, उनके विचारों के बिना झारखंड अधूरा है, तो उनके विचारों को आत्मसात किए बिना झारखंड मुक्ति और झारखंड नवनिर्माण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं उलियापुर के लोग, देखिए इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से वर्तमान नवनिर्वाचित सांसद उन्हें बधाई देते हुए कहेंगे इस समस्या का निदान करने के लिए योजना को लेकर आएं ताकि गांव वाले पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं उनसे निजात मिल सके। तमाड़ में आज दमयंती मुंडा का आज आप लोग आपने नाम लिया है, क्या माना जाए कि तमाड़ में प्रत्याशी घोषित हो गया है? नहीं घोषणा नहीं हुई लेकिन संभावित अभी रेस में वो चल रही है और बाकी अगर कोई है तो आवेदन दें, स्वीकार है और फाइनली जो हमारा प्रक्रिया है उसके माध्यम से गुजरे। दादा इंटरव्यू के लिए नौकरी के लिए लोग आवेदन देते हैं इंटरव्यू देते हैं लेकिन विधायक बनने के लिए पहली ऐसी पार्टी है जेबीकेएसएस या जेएलकेएम जो कि हम लोग बदलाव चाहते हैं, क्रांतिकारी बदलाव करना चाहते हैं, हम लोग जनता के अनुरूप चाहते हैं उसका विधायक हो, युवाओं के अनुरूप उनका विधायक हो, उनसे विपरीत उनका विधायक मिल जाएंगे जो आपके क्राइटेरिया है, ज्यादा मिलेंगे बिल्कुल समर्था ज्यादा मिलेंगे और उम्मीद है कि हमारे प्रत्याशी जो आएंगे वो बेहतर काम करेंगे। जयराम जी आप शिबू सोरेन के परिवार पर हमला करते हुए कहते नहीं, गुरु जी का परिवार कहाँ, गुरु जी का परिवार बसंत सोरेन भी नहीं, नहीं मेरा सवाल को क्यों सुनेंगे, शिबू सोरेन का परिवार केवल हेमंत सोरेन है, बसंत सोरेन नहीं है, सीता सोरेन नहीं है, सीता सोरेन दुर्गा सोरेन की विधवा है, सीएम पोस्ट उनको क्यों ने प्रोजेक्ट किया, हमने हेमंत पर कटाक्ष किया उस पर टिके हैं हम, नहीं आप उनके परिवार पे विधायक बनने की बात कहते हैं बिल्कुल ऐसा, तो सुधीर महतो सुनील महतो के परिवार से वहाँ तो आप बात नहीं करते, वर्तमान में जो है सरकार में हैं उन पर बात करेंगे, जब उस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ बात करेंगे, अगर शिबू सोरेन की बात है तो दुर्गा सोरेन की विधवा वो सीएम प्रोजेक्ट क्यों नहीं हुई और चंपई सोरेन तीन महीने के लिए क्यों नहीं कार्यकाल को पूरा कर पाए, ये कौन सी सरकार चल रही है। दिल्ली में डैमेज कंट्रोल कैसे होगा विधायक, दिल्ली में आपके ही पार्टी में देखा जा रहा है कभी यहाँ बैठक कभी वहाँ बैठक अलग अलग, देखिए जब पार्टी का प्रत्याशी घोषित होगा तो डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, जब अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ तो हर कोई अपने आप को प्रत्याशी मान रहा है। देवेंद्र दादा देखिए अगर अमित दादा हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत रहेगा, उनका शुरू से हम लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन हम लोगों ने तो प्रस्ताव भी रखा है आए आने के लिए, कोई आपत्ति नहीं, आएंगे तो जाएंगे उनके साथ, लेकिन फिर नॉमिनेशन बंटवारे में बड़ा दिक्कत होगा नॉमिनेशन में तो खुले मंच में आए। ठीक है, नॉमिनेशन अलग चीज होता है, समर्थन देना अलग चीज होता है, लेकिन हमारे साथ राजनीति आए ना, कब उनका सिली विधानसभा से क्या माना जाएगा, सिली विधानसभा से देवेंद्र महतो होंगे प्रत्याशी, देखिए अभी तय नहीं हो पाया है, ये तो ऐसे भी सांसद हैं हमारे, हार के बाद भी हमारे सांसद हैं, क्योंकि जयराम दा सभी पार्टियां बहुत ही जोर शोर से तैयारी कर रही हैं, देखिए तैयारी भी हमारी है, तैयारी हमारी है और बिल्कुल जो विचारधारा दो साल से राज्य में फैली है उस विचारधारा से ही प्रत्याशी तय होंगे और उस प्रत्याशी को विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, जो उनका वोट आना है वो 50% तय हो चुका है और 50% विधानसभा चुनाव के कैंपेन के दौरान तय होगा। धनबाद ग्रीडी में काफी भीड़ जुड़ती है, लाखों की भीड़ जुड़ती है आपको देखने के लिए, सेलिब्रिटी है आप वहाँ के, लेकिन तमाड़ में क्या लगता है भीड़ में कमी थी क्या? नहीं तमाड़ में आप, हमको लगता है आपका कैमरा शायद आज खराब होगा, कैमरा खराब होगा। जयराम का एक सवाल मेरा है कि आपके सभाओं में लाखों की भीड़ होती है, आज भी बहुत ही भीड़ थी, मतलब काफी भीड़ थी, लेकिन जब वोट में मतदान में तब्दील होने की बात होती है तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसिंग होता है, इसमें क्या कहना चाहिए? नहीं कहाँ मिसिंग हुआ है, नहीं मिसिंग नहीं हुआ है, समर भैया समझे बात को, 8 लोकसभा 8 अलग अलग चिन्ह, 10 दिन के लिए प्रचार का समय, कंफ्यूजन, मिसिंग नहीं है,
बहुत अच्छा वोट आया है, 8 लाख वोट एक एक लोकसभा के हिसाब से बहुत अच्छा वोट आया। पार्टी का जो चुनाव आयोग के द्वारा पार्टी का जो कंफर्मेशन होता है कि जेबीकेएस आपके पार्टी का नाम है या जेल के नाम है, चुनाव चिन्ह कब तक आ जाएगा? देखिए जल्द ही आएगा, ऐसा बात नहीं है, बहुत जल्द आएगा और हमें उम्मीद है कि इस महीने तक आ जाए। इलेक्शन के बाद किस पार्टी से गठबंधन की उम्मीद है? देखिए वो जनता तय करेगी, हम लोग तो बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जयराम जी जो पार्टी के लिए आया कि क्राइटेरिया रखे हैं वो दूसरी पार्टी से अगर आते हैं तो फुलफिल कैसे करिएगा? क्यों नहीं फुलफिल करेंगे, आएंगे संगठन का कार्य करेंगे, वहाँ ना वह क्राइटेरिया जनता का फीडबैक होगा, अगर जनता उनको फीडबैक देती है, हमारे संगठन के साथी अगर उनका समर्थन करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं हमें। अगर कल कोई कोई हमारे संगठन में आता है और अगर हमारे साथी बोलते हैं नहीं ठीक इनका स्वागत कीजिए ये बढ़िया व्यक्ति हैं गलत पार्टी में थे, तो वहाँ तो हमने लिखा है संगठन का फीडबैक, जनता का फीडबैक, संगठन के लिए कार्य। आपके संगठन के लिए तो आंदोलन वगैरह नहीं किए होंगे जिस तरह से 2 साल? अरे ठीक है तो आंदोलन नहीं किए हैं तो उसके लिए आंदोलन के लिए उनको पॉइंट नहीं जाएगा, लेकिन आंदोलन के अलावा जो कोला में उन पर पॉइंट अर्जित करे। कहने का मतलब यह है कि आंदोलन पर विधायक और सांसद नहीं बना रहे? देखिए आंदोलन के लिए प्राथमिकता है लेकिन आंदोलन के अलावे भी विधायक सांसद बनेंगे। तो क्या माना जाए कि इस बार जो भी आपके लिए कैंडिडेट होंगे वो तमाड़ विधानसभा से, यदि मान लीजिए वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं या विधायक रह चुके हैं, यदि वो आते हैं तो क्या करेंगे? बिल्कुल उनको हम जनता के बीच रखेंगे, जनता का फीडबैक हमने रखा है, जनता फीडबैक क्या देगी, हमारे संगठन के लोग उनको क्या फीडबैक देंगे? आखिर तमाड़ विधानसभा में हमारी पंचायत कमेटी है, हमारे प्रखंड कमेटी है, हमारे केंद्र कमेटी के लोग हैं, वो उनको वोट करेंगे, वो उनके वोट का वैल्यू है। आपके समर्थक आपके चाहने वाले जानना चाहते हैं कि जयराम वो तो कौन कौन से सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्लियर नहीं कर रहे हैं? देखिए धीरे धीरे क्लियर कर देंगे, पहला तो क्लियर कर देते हैं, देखिए जहां आए हैं क्लियर कर देते हैं, तमार लड़ेंगे, बगल में सिल्ली है सिल्ली लड़ेंगे, बगल में आपका सरायकेला है ईचागढ़ है लड़ेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे क्लियर करते जाएंगे। चलिए धन्यवाद, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हमारा कोटि कोटि आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। हमें बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है, जनता का विचारों से भिन्नता हो सकती है लेकिन राज्य के हैं और बुजुर्ग नेता हैं और हमें लगता है चुनाव के अंतिम मैदान की ओर हैं, अब एकाध के बार वो चुनाव शायद लड़े नहीं और ऐसे में हटा देना इस बार की ओर इंगित कर रहा है। चुनाव में असर दिखेगा तो आपके लिए सौंप रहे हैं? देखिए हाँ हाँ लोग समझ ये बताइए बताएंगे ना पूरा डिटेल में सवाल आप जो है प्रबल दावेदार हैं जेबी के दिल्ली विधानसभा से लेकिन अमित महतो का नाम भी बड़ा रेस में तो ऐसे में देवेंद्र नाथ को कैसे मैंने अचानक से उनको? देखिए हम जवाब देंगे एक एक करके, थोड़ा सा सामने सामने बैठिए। शुक्रिया अलग लेने का कम समय मिला, वृद्ध नेता हैं, संतोषजनक रहा। जयराम का एक सवाल बड़ा थोड़ा सीरियस हो गया लेकिन थोड़ा सा माहौल को ठंडा करते हैं, ये बाल नहीं कटवाएंगे रिजवान का शादी नहीं करेंगे इसको कैसे देखते हैं आप जब तक आप सीएम नहीं बनिएगा? देखिए ठीक है ये इनका प्राण है, प्राण का सम्मान है, आप उनके प्राण का सम्मान करना चाहिए कि ऐसे निष्ठावान लोग आपके साथ है, आपकी पार्टी के साथ है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। शुक्रिया लीजिए ये प्रत्याशी चयन वाला है लीजिए फोटो ले लीजिए जनता का कुछ सुझाव है दादा क्या सुझाव है थोड़ा सा हमारे मीडिया का सुझाव जैसे कि हम लोग का प्रत्याशी चयन को लेकर के जो अभी कमेटी तय किया गया उसमें जनता कुछ राय दिए हैं जिसमें क्या राय है जनता का दर्शकों को बताना चाहिएगा? हाँ जिसमें लगभग हम लोग का 2-3 बिंदु है जिसमें मुख्य रूप से खतियानधारी हो और साथ ही साथ क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का समझ हो और तीसरी बात आंदोलनकारियों का पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, अभी 4 और 5 करने का 25 पॉइंट मिला है इस तरीके से आया है तो फिर हम लोग विचार के लिए अभी देखिए सबसे पहली बात हमने ये भी कहा है कि जो हम लोग जारी किए हैं 10 पॉइंट आप उसमें 11वां पॉइंट ऐड कीजिए स्वागत रहेगा, उसकी हम समीक्षा करेंगे कि 11वां पॉइंट ऐड होने के योग्य है या फिर जो हम लोगों ने अंक पॉइंट रखे हैं उनमें आप कहीं कटौती बढ़ोतरी करने के लिए अपनी राय रखे हैं, फाइनल जब प्रत्याशी होंगे उससे पहले हम लोग एक फाइनल लिस्ट तय कर देंगे। अच्छा, ये 3 सुझाव दिए हैं इन पर हम लोग। अच्छा दादा सभी पार्टी का बड़ा बड़ा ऑफिस है रांची में तो जेबीकेएसएस का भी रांची में ऑफिस ओपन होने वाला है क्या ऐसा? देखिए हमारा ऑफिस खूबसूरत लगता है वनों के बीच पहाड़ों के बीच लगता है तो हम लोग वनों और पहाड़ों में ही हमारा मेन ऑफिस रहेगा। जी शुक्रिया चलिए और किसी को सवाल लेना तो ले लीजिए।